जय हिंद दोस्तों, ये वंश डेयरी है गांव समोहरा करनाल में। प्रीतम चोपड़ा जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। पहले भी बताया कि डॉक्टर हैं पशुओं के और बहुत ज्ञान रखते हैं। तो आज ये जो गाय दिखा रहे हैं ये फॉर सेल है इनकी। नमस्कार। नमस्कार अंकली। आजकल तो कोरोना का बहुत लहर है, फिर भी आप मास्क नहीं लगाते हैं? लोकल में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। लगा ली आपने? हाँ जी। वैक्सीन लग गई? नहीं नहीं, वैक्सीन लगी। ये तो जरूरी है। लो आई जी लगाना। अच्छा, जर्सी दिखा रहे हो? हाँ जी। और कौन सी ब्यांत की है ये? ये फर्स्ट की है जी। फर्स्ट में है? हाँ जी। पहली बार ब्याह? पहली बार ब्याह की। कितने दांत है? ये चार दांत है जी। ब्याह गई? हाँ ब्याह। क्या दिया? इतने मेल दिया जी। मेल? हाँ जी। तो कितने दूध पर है ये? ये अभी होगा 23-24 लीटर है जी। तो इसमें भी सीमन का हिसाब किताब रहता है? पीछे से मोल लिए इसमें। हाँ सीमन जर्सी तो अच्छा लवाला आगे, इसमें अच्छा बच्चा आएगा। अच्छा, जो बढ़िया अच्छी जर्सी है वैसे। तो कितने दूध पे रहेगी ये? ये देना चाहिए अंकल जी 27-28 लीटर। 27-28? हाँ जी। तो क्या दाम की होगी? अभी कोई लेगा दे देंगे जी 75,000 रुपये। 75,000? हाँ जी। वैसे अभी कोरोना काल की वजह से रेट कम है जी ये। हाँ। नहीं ऐसी बिछड़ी 90,000 की बिछी हमने। बस अब इस महामारी में पशु सस्ते बिकेंगे? 15,000 का फर्क। कारण क्या है? कस्टमर नहीं आते जी, लॉकडाउन है सारी जगह। अच्छा। हाँ जी। बिना आने? हाँ जी। तो ऑनलाइन से तुम लोग जो मर्जी मांग लो? नहीं ऑनलाइन में तो ऐसा अंकल जी, हर एक आदमी व्यापारी फंसता जाता है। क्यों? किसी को भी जिसके पास गाय नहीं उसको पैसे डाल देता है। वो तेथन पेथन सारी चढ़ा देते हैं। तो हमने तो अपने फार्म पे सारी देख के लेके आ रहे, नहीं बिकेगी फार्म पे रह लेगी। क्रॉस में कहीं? क्रॉस में जी। क्रॉस में? हाँ जी। तो कितना दूध देने वाली है? अभी 25-26 लीटर तैयार है जी। आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो मैंने देखा कि ज़्यादा अभी हाँफ नहीं रही है। हाँ जी। क्या कारण है? क्रॉस की है सारी जी। अच्छा, क्रॉस की है सारी। क्रॉस नहीं हाँफेंगी? क्रॉस तो मतलब इक्का दुक्का करेंगी, उसके बाद फोकर लगा देंगे अगले भी। नहीं साहीवाल? साहीवाल तो करती नहीं है जी, उसको तो आप बाहर छोड़ दो। चाह उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? उसको देसी को कोई फर्क नहीं है। हाँ जी। तो ये जो क्रॉस दिखाई है? हाँ जी। तो कौन सी ब्यांत की है? ये दूसरी बार की है जी। दूसरी बार की है? बच्चा दे रखे इसने भी। इसने क्या दिया है? शायद फीमेल है। नहीं जी, शायद फीमेल काफ है जी इसका। फीमेल? हाँ जी। तो कितना दूध देगी है? ये 30 लीटर तक जी। 30 तक? हाँ जी। चौथा दिन भी आई ना आज। हाँ। 26 लीटर रेडी है जी। कौन सी ब्यांत की है? दूसरी बार। दूसरे में? हाँ। तो क्या दाम है? अभी कोई लेगा दे देंगे जी 58,000 रुपये की। 58 की? हाँ जी। 50 की भी दे दो? नहीं 50 की नहीं अंकल जी, मैंने बिल्कुल आपको 65 नहीं बोला, 70 नहीं बोला। 51 की हो जाएगी मेरा क्या? अभी तो फिक्स ही रेट बोला मैंने आपको। क्यों? कस्टमर आते तो है नहीं बेचारे, कोई देख के लेके जाए तो विश्वास भी लेके जाएंगे। दो टाइम वीडियो कॉल कर मिल्किंग चेक कर लो, गाय देख ही लिया जी। नहीं तो कई बार ऐसा है ना कि ऑनलाइन में खरीदवा लेते हैं। हाँ जी। फिर लेके नहीं जाते, अब जैसे लॉकडाउन लग गया है। हाँ जी। कल को ट्रैफिक आवाजाही बंद हो गई। पशु की कभी नहीं होती जी, जब पीछे भी लॉकडाउन लग गया था ना जी। हाँ। उसमें मेरे ख्याल से 10 दिन बंद हुई थी। अच्छा। उस तो पशुओं को कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहते? हाँ जी चलते रहते हैं। नहीं मैंने देखा ना कईयों को पैसे तैयार नहीं होते हैं। हाँ जी। फिर यहाँ खड़े रहते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता? बिल्कुल जी, नुकसान तो जी। क्यों? हम सोचते हैं कि कस्टमर ने ले रखी पशु, हम भी नहीं बेच सकते उसको। इतना वो 20-25 दिन का ब्याह हो जाता, फिर बिकता नहीं, वहाँ से फिर विवाद होता। हाँ जी, फिर लड़ाई होती है। सच्चाई फिर वो कहते हैं ये हमको ही फोन करते हैं। हाँ जी। मेरा क्या जी, नए नए अभी जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, पहले बोलेंगे लाख पहले दे दो बाकी बाद में दे देना। वो लाख डाल देता फिर फंस जाते हैं। आप भी फंस गए? आपको तो अपने आप ही फंसे, अगला थोड़ी फंसा जी। अब लाख रुपये किसी कस्टमर ने डाल दिए अकाउंट में, मैंने उसको 90,000 की गायें दिखाते हैं, ये देंगे हम 50,000 रुपये की, दो गायें 50-50 की दिखा देंगे। जब वो डाल देगा लाख रुपये फिर बोलेंगे ये तो बीमार होगी, ये तो मिलती नहीं, इसकी जगह दूसरी डाल देते हैं। हमने एक व्यापारी से पूछा भी भाई तुझे 2 लाख रुपये डाला कला उसने किसान ने जी, और तुम उसका फ़ोन नहीं उठाते हो अब? वो कहता देखो जी बात ये है, कहता वो बात तो सुनता ही नहीं है, वो तो खाली अपनी करता है। ऑनलाइन माल लेके जाना है जी, पैसे डाल दिए हैं हमने, माल खरीद के खड़ा कर दिया, अब वो बाकी पैसे डाल नहीं रहा जी। पैसे नहीं डाल रहा है तो वहाँ जाकर के मिले ना मिले क्या गारंटी है? नहीं मिलती। क्यों? कहते पहले कई बार हम भुगत चुके हैं, कहते अब उसके पैसे और नहीं है, कहते अब उसमें समय निकल गया 1.5 महीने का 1 महीने का, कहते अब वो कहता है कि हमारे पैसे वापस कर दो। तो जो कहता पशु हमने 1.5 महीने रखे हैं उनको 1.5 महीने खिलाया फिर कम अधिक रेट पे गए। बिल्कुल, ये तो उसकी गलती है जी। इसमें
फार्मर की क्या गलती है? अगर तो हम उसे बोलते हैं भाई यहाँ आ जाओ, उसकी पसंद के हिसाब से उसने पशु लिए होंगे बेचारे ने, तो अपने हिसाब से लेता, तो हर की मेरी ये पसंद आपकी दूसरी पसंद हो सकती है, तो ये तो उसकी गलती है ना, उन्हें पैसे डालने चाहिए थे। तो प्योर में नहीं कही जाएगी ये भी, क्रॉस में तीसरे नंबर की है डिस्कवरी। हाँ जी क्रॉस में है, क्रॉस में ऑर्डर बहुत अच्छा जी। अभी टाइमिंग देख लो कितने टाइम हो गया अरविंदर भाई, 1:30 बजे अभी, तो अभी तो 6 बजे तक तो ये ऑर्डर बनाना है। कितना दूध देने वाली है अभी? मेरे ख्याल से 2.5 लीटर तैयार है, परसों चौथा बच्चा दिया था, खीस तैयार है। अच्छा हाँ जी, इतनी गर्मी में जी क्या दिया इसने? मेल दे रखे। अच्छा, हाँ जी, पीछे बंद रहे सारे बच्चे। तो कितने दूध पे जाएगी ये? उम्मीद करता हूँ जी इस गर्मी में 32-33 पार करेगी। 32-33 पार गर्मी में? गर्मी में कम देती है कमी, जब भी तो कमी चाहिए इसकी, तो उम्मीद 40 लीटर की। तो क्या दाम की होगी फिर? अभी कोई लेगा 65,000 रुपये की। देखने में कौन सी ब्यांत बताया? दूसरे की, दूसरे में। हाँ, किसान से लेके आया जी, शाम को ही आई है कल। तो 30 तक चली जाएगी, 35 तक? 32 से 35 तक जी। 65,000 की है? हाँ जी। कम भी थोड़ा बहुत कर लोगे, 60 में दे दोगे? नहीं, एक हमारे अंकल जी है इससे जी, हिसार के पास है जी उनका गाँव, उनको 6 गायें आज भेजनी है जी। अच्छा, तो अच्छे अच्छे सिलेक्ट करके 6 आज भेज। चोपड़ा जी, कॉपर की कमी हो जाती है? हाँ जी। तो क्या फिर पशु को बीमारी आती है उसमें? ऐसा जी, कमी तो किसी चीज़ की हो अंकल जी, कमी तो किसी भी कैल्शियम की होगी, विटामिन की होगी, जैसे कोई कमी आएगी तो उसको कमजोरी आएगी जरूर जी, कमजोरी में सारी बीमारी एकदम आती है। ये तो कैसे पता चलेगा कि कॉपर की कमी हो गई? तो ब्लड टेस्ट से। ब्लड टेस्ट से? हाँ, ब्लड टेस्ट। तो वैसे कोई लक्षण नहीं दिखाती है? नहीं, वैसे नहीं पता। अच्छा, हाँ जी, कैल्शियम के दिखा देंगे। जैसे रस्से उससे चबाने लगती है ये सब? ये तो आम चबा लेते हैं रस्से तो जी, ये तो कहने वाली बात है जी। जैसे कैल्शियम की कमी का तो पता लग जाता है, अभी कैल्शियम की कमी है, खड़ी नहीं हो रही। कॉपर का नहीं लगता? कॉपर का नहीं पता लगना है, वो तो अपने आप ही दे देना चाहिए। अच्छा, मिनरल मिक्सचर हो गया जैसे, उसमें सारे विटामिन है जी। हाँ, तो ये फीड होगी, कारगिल जैसे फीड डालते हैं कोई भी किसी को। कॉपर का जब आप टेस्ट करवाते हैं तो क्या लक्षण आते हैं फिर उसमें? तो लक्षण तो कुछ नहीं आते जी, ब्लड में ही होता है। तो ब्लड में ही होता है? हाँ, ब्लड में ही होता है, लक्षण कुछ नहीं दिखाते उसमें। ये जो दिखा रहे हो गाय, क्या कहोगे इसके लिए? ये अच्छी बछड़ी है जी, दूसरे की बच्चा दिया अभी जी, परसों बच्चा दिया इसने भी जी। अच्छा, ये ज्यादातर ब्याई हुई दिखा रहे हो? हाँ, ब्याई हुई भेजनी है अंकल जी। तो कहीं नजदीक जानी है क्या? हाँ, ये हरियाणा में जानी है। हरियाणा में जानी? हाँ जी। तो कितना दूध देगी ये? ये 31 लीटर के आस पास। 30 लीटर? दूसरे ब्यांत की है? हाँ, सवेरे क्रॉस में है। हाँ जी, क्रॉस में। तो ये जो कितने की बिकेगी फिर ये? ये 65,000 रुपये। 65,000? हाँ जी, अच्छी बछड़ी है दूसरी। अच्छी है? हाँ जी, अभी लॉकडाउन में वैसे तो 80-80,000 की बछड़ी बची है जी। अच्छा, अभी हमें जैसे पता चला कि तुम्हारे यहाँ कई गाय मरी। हाँ जी। तो नुकसान हुआ? हाँ जी। कितना हो गया? मरे 2-3 लाख रुपये। क्या कारण हुए? एक तो बच्चा मर गया था अंदर जी। अच्छा। हाँ, मोटी गाय थी, 50-55 लीटर वाली। हाँ। और जी एक दो ने बच्चा डाल दिया जी। अच्छा, खराब हो रही है जी। खराब हो गई, खड़ी हो गई? हाँ, वो प्योर में है जी। वो ठीक आ जाएंगी? जो प्योर में है वो तो बीमारी आएगी आएगी जी, अभी इस टाइम जितनी भी मरी है ना, 2-3 चार मरी है। हाँ। सारी प्योरिटी वाली मरी है। तो प्योर को ये बीमारी आती है? प्योर को ज़्यादातर। प्योर क्यों होती है? वो टेम्परेचर निशान कर, सहन नहीं कर, बाहर की नस्ल बच्चा फेंक गई। हाँ, कुछ बच्चा फेंक गई, बुखार नहीं टूटता, 105-106 से ऊपर ही रहता है। तो अब ठीक हो जाएंगी? हाँ, जिसको ब्यूटालैक्स वगैरह प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गए। दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएंगी? हाँ, प्रेग्नेंट तो हो जाएगी। हो जाएंगे? हाँ, जान हो। अब अगले साल पे गई बात? बस जिंदा रहे जो बढ़िया जी। अच्छा, चलो तो हो जाएगी ठीक, तो प्रेग्नेंट हो गई दोबारा भी जाएगी, उसमें कोई बात। प्योर में अगर जितनी भी प्योरिटी होगी, बुखार स्टार्ट है जी। अच्छा। हाँ जी, वैक्सीन पीछे से लगवानी रखी थी किसी ने, हम भी लेके आए थे, अगले दिन स्टार्ट होगी। अच्छा। हाँ जी, तो कौन सी वैक्सीन लगती है फिर? थलेरिया की आती है जी। थलेरिया? हाँ जी, 3 साल के लिए आती है। कितने? 3 साल के लिए? 3 साल के लिए। एक बार लगा लेंगे? एक बार 3 साल। 3 साल तक फिर जरूरत नहीं? जरूरत नहीं है। कितने पैसे लग जाते हैं उसमें? जो इकट्ठी आती है वो 600 डोज होती है जी। एक कंटेनर, कंटेनर आता है जिसमें सीमन होते हैं ना, लिक्विड नाइट्रोजन में आता है, तो उसमें जैसे कोई डीलर है वो ले लेता है, वैसे तो पड़ती है वो 150 रुपये के हिसाब से डीलर को, हमको 200-220-250 रुपये मिल जाते हैं। इतने पड़ जाते? हाँ जी, 5 गायों की एक डोज आती है जी। अच्छा, 5 गायों की? हाँ जी। तो 5 को लगानी पड़ेगी वो, तो 2 मिनट के अंदर जी, रोक नहीं सकते उसको? 2 मिनट के अंदर लगानी पड़ेगी। 2 मिनट में फटाफट? हाँ, फिर खराब हो जाएगी। 2 मिनट टाइम ज्यादा लग जाता? नहीं, प्रॉपर तरीके से बांध के। हाँ, फिर खोलनी है? फिर खोल लो। हाँ। अपनी तैयारी करके पूरी जी। अच्छा, फटाफट पकड़ के लगा दोगे?
तो डॉक्टर ही लगाएगा का आम पशुपाल भी लगा सीधे आई सबकट लगती है जी खाल और मांस के बीच में जैसे चीचड़ का इंजेक्शन लगता है जी तो आम भी लगा सकता है। अच्छा तो अगर दो मिनट से अधिक समय हो जाए खराब हो जाएगी जी खराब नहीं होने मतलब वो असर नहीं करेगा असर नहीं करेगी जो कोई कई लोग कहते हैं ना वैक्सीन भी लगवाई है और फिर भी बीमार है तो वो लगाने नहीं आई वो 10 मिनट वेट कर लिया उसका कोई फायदा। हाँ जी चोपड़ा जी हाँ जी तो ये दिखा रहे हो हाँ जी काले रंग की हाँ जी तो क्रॉस किससे है ये जर्सी में जी तो साहिवाल का नजर आता है नहीं नहीं साहिवाल में होता तो नीचे ऊपर थोड़ा ढांट होती अच्छा। थोड़ा जलर आगे होती नीचे थोड़ा सूंड होता तो ये उसके साहिवाल क्रॉस के नहीं साहिवाल में नहीं जर्सी तो जर्सी में गई है जर्सी में कितना दूध देने वाली है ये उम्मीद तो जी मालिक तो बता रहा था फर्स्ट में 32-33 लीटर देर छोटे किसान की है नहीं फार्म से है फार्म की है हाँ जी मिल्की मशीन लगती है हाँ मिल्की मशीन बिल्कुल बढ़िया जी अच्छा अच्छा हाँ जी गाय बहुत अच्छी है कितना देगी दूध ये जैसे गर्मी में अभी 40 लीटर बोलेंगे ना हाँ। तो 35 देगी अंकल जी 5-6 लीटर कौन सी ब्याज की है ये दूसरी बार बच्चा देगी दूसरी बार हाँ जी बहुत अच्छी गाय है तो क्या दाम की है ये अभी कोई लेगा दे दूंगा जी इसको भी 65,000 रुपये 65 हाँ जी 61 में भी कर दोगे हाँ कर देंगे कोई आएगा जी मान सम्मान पर भी अच्छा तो ये जैसे ये फोगर तुमने लगा रखे हैं गाय सारी खड़ी हुई है जी तो इसका समय रहता है हाँ अभी नहीं थोड़ा सही अगले महीने से ही जब लू चलेंगी तब लगाएंगे अब नहीं चलाएंगे अभी नहीं अगर आप चलाते हैं फिर क्या होगा थोड़ा गर्म सर्द की शिकायत जाता है मतलब अगर अभी मई की स्टार्टिंग हाँ जो अप्रैल का एंड आ रहा है हाँ जी अगर इस समय चलाओगे अगले महीने की 15 तारीख के बाद 15 के बाद चलाओगे हाँ जी तो इसमें इस दौरान गर्मी अगर प्योर वाली हो तो परेशान हो जाएंगी नहीं क्रॉस में कोई दिक्कत नहीं है नहीं जो प्योर है प्योर में दिक्कत है जी तो फिर उनको कैसे संभालोगे क्या करें जी दवाई वगैरह लगानी पड़ती है जी तो फोगर नहीं चलाओगे उनको नहीं अभी इस टाइम तो जी और ज्यादा बीमार हो जी अच्छा इस टाइम नहीं जी फोगर का काम है ऐसा भी होता है ऐसा भी है जी जैसे 8वें महीने में 7.5-7वें महीने के बीच में बंद कर देते हैं 8वें के आसपास अगर 8वें में चलाओगे उसमें मौसम थोड़ा चेंज होगा उसमें बीमार ज्यादा होगी तब भी बीमार होगा हाँ जी 3 महीने है प्रॉपर सही तो जी पहली वाली के भी कौन सी ब्याज की है ये दूसरी बार की है भी। ये भी दूसरी भी वो सब दूसरी की थी हाँ जी ये भी दूसरे की अच्छा हाँ जी जर्सी क्रॉस में इसमें भी गर्मी सर्दी में आ गई है नहीं अभी 15 दिन बाकी 15 दिन बाकी पहली के 10 दिन बाकी इसके तो पहले में कितना दूध दिया इसने इसमें पीछे से लेके आया जी उम्मीद करता हूँ जैसे गर्मी है हाँ। गर्मी में ऐसे 30 लीटर बता दूंगा तो 25 ही देगी जी हाँ, हाँ जी 25 लीटर मान के चलो जी 25 मान के हाँ जी क्या दाम होगा अभी कोई लेगा दे देंगे जी 48,000 रुपये की 48 की हाँ जी 41 की भी कर दोगे नहीं 41 में नहीं होगी अंकल जी कोई पुट्ठा लेगा तब बनाऊंगा ना इनको तो अगर कोई 10 लेगा 25 लीटर वाली कौन दे रहा जी 48,000 मैंने आपको बिल्कुल डाउन करके बता दिया करनाल में अभी आओगे ना आप जो 200 गायें थी 200 किसी पे 50 भी नहीं मिलेगी एक कहावत है हाँ जी तू डाल मैं पात पात हाँ जी तुम अपने मतलब के लिए बुलाते हो हाँ जी और हम अपने मतलब के लिए आते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं आपसे प्यार है हमको हमको तो ये है ना तुमसे जो बातें पूछते हैं तो वो बातें दूसरे लोगों के काम आने वाली हाँ जी हाँ जी गाय तो जिन्होंने खरीदनी है खरीदनी बिल्कुल कोई खरीद लेकिन जो तुम्हारी बातें हैं ना हाँ वो करोड़ों रुपए के दाम की हैं लोग तो वो भी अच्छी लगती कई लोगों को वो ना लगे वो जो खाली लोग हैं जिन्होंने हाँ कुछ करना नहीं है ना हाँ ठीक है तो वो गंदे संस्कार वाले वो हाँ जिन लोगों को सीखना है ना बिल्कुल जी वो तुम्हारी बातों से निकालते हैं ठीक है बात हम इसलिए आपके आभारी हैं जब एक बात अंकल जी एक बात बताओ कोई पशु दूध मिल्किंग करके ले गया तो उसके बाद हमारी गारंटी क्या है जी तो ये भी जर्सी में है हाँ ये भी जर्सी क्रॉस सारी जर्सी क्रॉस है चलती नहीं अंकल जी प्योर में बस सारी काले रंग की हाँ काले रंग की है जी और सारी सेकंड ब्याज की यही चलेगी अभी सेकंड ब्याज सेकंड की है भी तो आजकल तो किसी के तबेले में है ही नहीं है पशु है नहीं किसी के पास जी तुम भरे खड़े हो अपने कस्टमर बहुत है जी तो अगर रुक गए तो डरते नहीं हो है जी नहीं ऑनलाइन देखो जी उसने फार्म देख रखा जी आपकी वीडियो के माध्यम से देखता है कोई तो पता तो है एक ठगी की जगह है उसको तो पैसा डाल देते हैं लोग ऐसी बात नहीं तो ये कितना दूध देने वाली है ये देना चाहिए जी 20-22 लीटर जी 20-22 लीटर हाँ जी अभी 20-21 दिन बाकी है बच्चे देने में अच्छा हाँ जी तो क्या दाम होगा 40,000 रुपये जी 40,000 बिल्कुल अब कैसे कम कर दियो बिल्कुल कम करके बता रहा ना जी कोई कहीं तंग नहीं होए अगर ऑनलाइन लेनी है 35 के हिसाब से भी दे दूंगा
32 के हिसाब से फर्स्ट की बछड़ी दे दूंगा अगर कोई लेना चाहता है जी, जैसे कहोगे ऐसे रेट में मिल जाएगी अब जी। क्यों तो पीछे भी मंदा हुआ जी। अब ये कौन सी ब्याज की है? ये तीसरी बार बच्चा देगी यार। तीसरी बार या चौथी बार? तीसरी बार अंकल। उसका रंग ढंग तो बता। इसका एक थन में 10-20 दार कम भी है अगर कोई ले सीधा कह के देंगे। तीन थन की है? नहीं तीन थन की नहीं है जी। हाँ। जो पिछला थन है ना एक बंद है? नहीं बंद नहीं है जी। 20 दार का फर्क है, कम है, 20-22 दार कम आती है भाई, ये दूध दूसरे थन के मुकाबले कम है। कम है हाँ। तो खुल नहीं सकती वो? नहीं वो तो हो भी सकती है, पिछले ब्याह में बताया मैंने आपको, मेरे पास ही थी। अच्छा और अब मस्टर्ड अभी भी आएगी तो अब भी आएगी बता के देंगे भाई, पिछले ब्याह में इसका 20,000 कम थी स्थान में। कितना दूध वाली है ये तो 32-33 दे रखे है मेरे पे दूसरी बार जी। 32-33 का दूसरी बार? हाँ जी। तो क्या दाम की है? अभी कोई लेगा दे देंगे 48,000 रुपए की। तो क्या के देंगे ये थन जो है? हाँ जी। मतलब ये बंद पीछे में कम बंद नहीं जी, मेरा क्या जी। हाँ। जब ये बच्चा दे रखे था ना पिछली बार जी, तो उसमें मस्टाइटिस हो गई थी। अच्छा। मस्टाइटिस में कई बार थन कम हो जाता है जी। तो अभी इसको वाइटमैच आती है दवाई, वो दे रहे हैं 10 ml सवेरे 10 शाम को रोटी में चौपड़ के, तो 99% तो पूरा हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। तो हम बता के देंगे, कभी बाद में बोले धोखा कर लिया भाई, 20-25 दार इसके पिछले म्याद में कम थी। अच्छा। हाँ बोल के देंगे। तो इसका दाम कितना कम कर लोगे फिर? और मान सम्मान कर लेंगे। 30 में दे दोगे? नहीं नहीं इतना फर्क नहीं आने का। 40 में? 45,000 तक वही, 48 बोले मैंने, 45 तक। उसमें इसमें बड़ा अंतर आ गया। हाँ जी। अब ये तो गाय दिखाई छोटी सी है, छोटी कद की है जी, तो दूध भी कम देगी। 25 लीटर अडर देखो कितना बड़ी है जी। कौन सी ब्याज की है? दूसरी बार की। बच्चा देगी अभी हफ्ता बाकी है जी। कितना देगी दूध ये? 25 लीटर के आसपास। 25 तक देगी। हाँ जी। तो क्या दाम लोगे इसका? इसको कोई लेगा जी 48,000 रुपए की। यार तो वैसी छोटी सी है यार। नीचे की देखो ना कैसी बड़ी है, क्रॉस की गाय है। तुम भी जितना दाम चलता वहाँ चला देते हो? नहीं अंकल जी, हम जो मोल लेके आते हैं हम भी। हाँ। घर तो हमारे भी नहीं बनती जी, इतनी गाय बेचते हैं जी। अब वो 48 वाली इसमें क्या बात है? है जी वो अलग चीज है, ये अलग चीज है जी। 48 के नोट गिने कभी? हाँ गिने जी, मैंने 48 करोड़ तक गिने हुए हैं जी। वो 25,000 की गाय है वो? नहीं नहीं 25,000 कौन दे रहा 25 लीटर दूध वाली, 1,000 रुपये लीटर लगा रहे। कितने में कम करोगे उसको? बस मान सम्मान कर। 40 में? नहीं नहीं 45,000।